छात्रों हम देख रहे थे ठेस फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना, जो इस कहानी के माध्यम से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है, उसमें सामाजिक संबंध कैसे होते, सोशल रिलेशन, और वहाँ के कारीगर, वहाँ के जो मजदूर है, कारीगर है, वो किस तरह से अपना काम करके और एक अच्छी कारीगरी को अभी तक उन्होंने ज़िंदा रखा है। तो वो अपना काम करके बांस की तिल्लियों के पर्दे, घास की चटाई, और सिरचन जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है, तो वो किस तरह से लोग उसको कामचोर चटोर समझते थे, वो अपने मड़िया के पास रहता, लोगों में क्या उसकी इमेज थी, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा, और किस तरह से लोग उससे काम निकालते थे। आगे चलकर साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, तीन जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की दो शीतल पाटियों के बिना आएगी मानो तो, भाभी ने हंसकर कहा फेरंग वापस, इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाए। तो इस तरह से सिरचन को जो है खाने की चीज़ें देकर या कपड़े लत्ते देकर लोग जो है गांव के लोग, उसके बाद दूसरे गांव के लोग जो है उससे काम किया करते थे, और वो जानते थे कि सिरचन को अच्छा खाना खिला दिया क्योंकि वो उसे वो चटोर था, तो अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना उसे पसंद था, तो उससे कोई भी काम कराने के लिए उसे अच्छा खाना और उसको कपड़े पहनने के लिए दिए जाए तो वो बहुत से अच्छा काम करता था। और जो ससुराल गई है जिसकी बेटी, वहाँ से भी उनकी डिमांड जो है वो आती रहती चटाई वगैरह की। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से लुभा कर, उसका मन जीत कर लोग जो है उससे काम लेते थे। तो यहाँ पर मानू के ससुराल से कुछ ऑर्डर आई थी, तो अब वहाँ से कुछ ना कुछ ये ज़रूर लेकर आए, क्योंकि उसके गांव में एक अच्छा सिरचन, एक कारीगर था, तो उससे कुछ ना कुछ बना के लाएगी अपनी बहुरानी, इसलिए वो दिखाना चाहती थी कि मेरे मायके में किस तरह से कारीगर लोग रहते हैं, तो वो तैयार रहती। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती, यानी एक ब्रांड है जिसका चिन्ह जो है, लोगो जो है, वो अच्छी लोगों के यानी अच्छे धोती जो है उसको देने के बाद, देने से ही अच्छी चीज़ बनती है, तो भैया को खबर भेज देती। तो जिस तरह से अब इसको जो है एक अच्छी मोहर वाली, एक अच्छी लोगो वाली धोती, अच्छी क्वालिटी वाली धोती मिलने वाली थी, शायद इसी के वजह से ये जो है एक काम अच्छा कर रहा है, या और कोई अच्छी चीज़ जो है नई फैशन की चीज़ बना रहा है, ऐसा देखकर मंजली भाभी ने से रहा नहीं गया और कहती कि मुझे पता होता तो मैं भी तुम्हें यही देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मतलब उसका कहना था कि सिर्फ धोती देने से ये काम नहीं बनेगी। तो मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना, तो अलग अलग तरीके से उसको कपड़े देकर, उसको खाने की चीज़ें देकर, मूंग के लड्डू देकर लोग जो है उसे हमेशा खुश रखते, और वो जानते थे
कि किस तरह से सिरचन को खुश रखा जाए, और खुश रखने से ही अपन उसको क्या कर सकते हैं, उससे कोई भी काम निकाल सकते हैं। तो इसलिए मंजली भाभी का जो है मुंह लटक गया और वो कह देता है उसे कि सिर्फ ये धोती के नाम पर नहीं चल रहा है, अगर इसके ऊपर पहनने के लिए अच्छी छाप वाला या अच्छी कंपनी का अगर कोई कुर्ता भी दे दे तो ऐसी चीज़ नहीं बनाई जाएगी, लेकिन इसका इस घर से जो है उसका खास ख्याल हमेशा रखा गया। और चाची ने कह भी दिया कि तू किससे बात कर रही है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो इस तरह से वो अपनी लालच में ये काम कर रहा है, ये उनको पता है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दूसरे दिन चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिवरा और गुड़ का एक सूखा ठेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चूरा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी, बोली, अरे मंजली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिरचन को अलग अलग खाने के, वो तो खाने में एकदम चटोर यानि स्वाद लेकर खाने वाला इंसान था, तो अलग अलग चीज़ें देकर, अच्छी अच्छी चीज़ें उसे खिलाकर लोग जो है उसकी कला की कद्र करते और उससे कोई भी काम जो है वो बना लेते। इस तरह से आगे फिर देखा कि जब लेखक ने देखा कि सिरचन को और भी कुछ चीज़ नहीं दी गई है, तो वे कहते हैं कि उसे और चीज़ दे दीजिए, और दौड़कर माँ के पास गए और कहा कि सिर्फ कलेवा दिया है, सिर्फ चूरा और गुड़, उसको और भी चीज़ें देनी चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, सिरचन के मुंह से चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ठेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अछूता माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी, और चाची ने माँ के पास जाकर कहा। तो इस तरह से आप देख रहेंगे कि किस तरह से उसको बूंदिया भी काफ़ी उसको पसंद थी, तो चूरा तो उसके मुंह में भरा हुआ था, लेकिन बहुरानी ने गुड़ का ठेला यानी गुड़ जो है वहीं पे रखा हुआ था, उसे उसने हाथ भी नहीं लगाया था। तो मंजली भाभी थोड़ा सा गुस्सा हो गई और मुट्ठी भर बूंदिया जो है उसके सूप पर फेंक कर चली गई। सूप भी जो है अनाज छानने का एक ताड़ के पत्तों का बना रहता है, तो उसे भी सिरचन नहीं बनाते हैं। तो आगे का वीडियो हम और पेज नंबर 45 और पेज नंबर 46 जो है